पढ़े लिखेंगे तो आप लोग मतलब कि सिविलाइज्ड होंगे, तो मतलब हम लोग हाँ। आदिवासी लोग उतने साल से जो सिस्टम में जीते आ रहे हैं वो अनसिविलाइज्ड था क्या? देखिए एक तो बहुत सीधा बात है, मैं कहता हूं कि आदिवासी को ए फॉर एप्पल क्यों पढ़ा रहे हो? आदिवासी को ए फॉर आदिवासी पढ़ाओ, आदिवासियों को उनकी भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा सब चीज से ये लोग बेदखल करने के लिए पूर्ण तरीके से सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम इस देश में चलाया जा रहा है। आदिवासी का अर्थ है आदिकाल से रहने वाले लोग, मतलब भारत के प्रथम निवासी। मैं आशीष बिरुली हूँ, मैं हो आदिवासी समुदाय झारखंड से हूँ, मैं एक फोटो जर्नलिस्ट हूँ, एक कार्यकर्ता एक्टिविस्ट हूँ और टेडेक्स स्पीकर हूँ। अभी के वर्तमान में मैं मोबाइल कंटेंट क्रिएटर हूँ और मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करता हूँ। आदिवासी कल्चर जो है अपनी हो समुदाय की, उसकी लैंग्वेजेस ट्रेडिशन उसकी कल्चर को डिजिटली डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ आदिवासी लाइफ मैटर का एक फाउंडिंग मेंबर भी हूँ। आदिवासी लाइफ मैटर के तरफ से जो हमारी टीम है, हम लोग आदिवासी युवाओं को कंटेंट क्रिएटर्स कैसे बनते हैं उसकी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और ताकि वो अपनी कहानी, मैं जिस तरह अपनी कहानी बताता हूँ वो भी अपनी कहानी वो बता सके, ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे किसी के ऊपर। और मेरी और एक काम है जो मेजर फोकस है मेरी लाइफ में, वो है कि मैंने यूरेनियम माइनिंग के ऊपर में फोटो डॉक्यूमेंटेशन की है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहारा गया है, और जिसके कारण मुझे एक नाम भी मिला है कि मैं झारखंड का पहला इंटरनेशनल आदिवासी फोटो जर्नलिस्ट हूँ। आज का जो विषय है ये फैक्ट्री स्कूल्स है, और आज का जो ये सेशन है ये सेकंड सेशन है, हम लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके बाद थर्ड भी आएगी। तो हम लोग को, आप लोगों को एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये फैक्ट्री स्कूल्स क्या है। तो आज की जो वर्तमान में जो शिक्षा मॉडल है वो पूरी तरीके से फैक्ट्रीज की तरह फंक्शन करती है, उसमें कोई भी सामान जाता है फाइनली वो ऐसे आकार में बन के आती है जो सब बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं भ्रूभरू। तो जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो स्कूल में उसकी जो शिक्षा जिस तरह से मिलती है उससे उनकी जो मानसिकता है वो एक तरह बनती है। जैसे कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो उनकी मानसिकता ऐसे विकसित होती है कि हम नौकरी करेंगे, हमें नौकरी करना है, उनका पूरा ज़िंदगी में वो फोकस रहता है। फिर हमें आलीशान मकान बनाना है, हमें महंगी गाड़ी खरीदनी है या अंग्रेज़ी भाषा बोलना है। ये जो मॉडल है सबसे ज़्यादा असर आदिवासी बच्चों पे होती है। इसके बाद क्या होता है कि आदिवासी बच्चे जब अपने घर जाते हैं, अपने समाज में जाते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि जो उनका जो समाज है वो बहुत ही अनपढ़ गंवार उनको लगता है, उनका जो भाषा है वो भूल जाते हैं, वो कदर करना भूल जाते हैं हर चीज़ों को, उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनका कदर करना भी वो भूल जाते हैं। तो ये जो मानसिकता है ये कहाँ से आ रही है? ये पूरे जो फैक्ट्री स्कूल है, तो इसलिए ये जो स्कूल जो है उसको ये टर्म दिया जाता है। अभी जो जितने भी देश में, सिर्फ एक स्कूल नहीं, पूरे जो देश की जो स्कूल है उसकी जो पूरी सिस्टम है उसको खासकर फैक्ट्री स्कूल्स कहा जाता है। और ये इसकी जानकारी हम युवाओं के पास उतनी जानकारी नहीं है, तो जानकारी हासिल करने के लिए हमारे पास आज इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, और हम लोग और गहराई से इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। सबसे पहले स्पीकर जो है वो ग्लैडसन डुंगडुंग जी हैं, जो कि एक्टिविस्ट है, राइटर है, रिसर्चर है, पब्लिशर है और पब्लिक स्पीकर भी है। उन्होंने इंग्लिश और हिंदी में बहुत सारी किताबें लिखी है, जैसे कि आदिवासी एंड द फॉरेस्ट, एंडलेस क्राई इन द रेड कॉरिडोर, मिशन सरंडा, हुज कंट्री इज इट एनीवे एंड क्रॉस फायर। ग्लैडसन जी की अपनी एक आदिवासी पब्लिकेशन हाउस है और उनका एक आदिवासी हुंकार करके एक वेबसाइट है जिसके वो खुद क्रिएटर फाउंडर है, और उनकी एक एक्टिव आदिवासी हुंकार यूट्यूब चैनल भी है जो कि आदिवासी ज्ञान से भंडार है। तो
तो चलिए हम लोग सबसे पहले ग्लैडसन डुंगडुंग जी से बात करते हैं और उनको मैं अभी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सर, आदिवासी लाइफ मैटर के तरफ से आपको स्वागत करते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 2011 में 2011 में एक बार ट्रेनिंग में गया था सीजी नेट स्वरा में। सीजी नेट स्वरा में एक सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पे एक ट्रेनिंग हुई थी, तो वहां गया था। तो वहां पर एक एमपी के जो साथी है उन्होंने बोला था कि आशीष, झारखंड आप वापस जाओगे तो ग्लैडसन डुंगडुंग को जरूर कांटेक्ट करना। अच्छा अच्छा। मतलब आपसे पर्सनली तो मिला नहीं, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजा था आपको फेसबुक पे। तो फिर आपका जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया है, हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। और आपका जो आदिवासी विकार है वो तो आदिवासियों के लिए पूरा ज्ञान का भंडार है। और खासकर ये जो एक आदिवासी लाइफ मैटर के तरफ से हम लोग पहले भी इंस्टा लाइव किए थे, आदिवासी आइडेंटिटी और ये फॉरेस्ट राइट एक्ट, और ज्यादा से ज्यादा मैं आपका ही वीडियो देख करके ही अच्छा मतलब ज्ञान लेता था और शेयर करता था। तो आज का जो विषय है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और हमारे पास आपके लिए भी बहुत सारे सवाल हैं। आदिवासी बच्चों की मुख्य धारा शिक्षा के बारे में आपकी सबसे बड़ी चिंता है वो क्या है, उसके बारे थोड़ा हमें बताइए। देखिए, इसको जो चिंता है, कंसर्न है, उसको समझने के लिए आपको पिछला 70 साल का कम से कम इतिहास को समझना पड़ेगा। खैर, उसमें मैं जा नहीं रहा हूं, लेकिन ये जो पिछले 70 साल में एजुकेशन सिस्टम चार हिस्सों में मुख्यतः चल रही है, उसको चार स्कूलिंग सिस्टम कह सकते हैं। एक है जो आज के समय में उसको मैं बोलता हूँ खिचड़ी स्कूल, जहां पर पूरे देश में जब आप जाएंगे खिचड़ी विद्यालयों में तो वहां 80-90% आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, कहीं कहीं 100% दलित और आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी तरह का के स्कूल है वो एप्पल स्कूल। एप्पल स्कूल इसलिए मैं बोलता हूं, वहां आप मेनू में देखिएगा तो बच्चों को एप्पल भी खाना है। तो ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, वो सारे डीपीएस या आप जो भी नाम ले लीजिए, नाम नहीं लेना चाह रहा हूं मैं, वो एप्पल स्कूल है। तीसरी तरह के स्कूल हैं वो माइनॉरिटीज स्कूल हैं, खासकर मिशनरीज स्कूल हैं। और चौथी तरह के स्कूल हैं जो अभी कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर पैदा हो रहे हैं, वो है फैक्ट्रीज स्कूल। इसमें हमारे बच्चे जो पढ़ के निकल के आ रहे हैं उनको अगर आप टेस्ट करेंगे, देखेंगे, उनका नॉलेज में बिल्कुल बदलाव, उनका बिहेवियर में बिल्कुल बदलाव, उनका जो है कि परसेप्शन में बिल्कुल बदलाव, उसका असर जो है उनका एक्शन में हो रहा है। और एक्शन में क्या दिखाई दे रहा है, उसमें पूरा जो मैनिफेस्टेशन आपको दिखाई देगा, भाषा निरंतर गंवा रहे हैं, संस्कृति गंवा रहे हैं, परंपरा गंवा रहे हैं, खान पान से नफरत कर रहे हैं। एक तरह से उनके दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया है कि आदिवासी समुदाय जो है कि आदिवासी कम्युनिटी इज ए हीप ऑफ गार्बेज, मतलब आदिवासी समुदाय जो है कूड़े का ढेर है, इसलिए आप तय करो कहाँ जाना है। तो आप समझिए कि ये पूरी स्कूलिंग सिस्टम में अगर बच्चों के दिमाग में बैठा दिया गया कि आदिवासी समाज एक कूड़ा का ढेर है, तो वो क्या करेंगे? क्या वो अपने समाज से प्यार करेंगे? क्या वो अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा से प्यार करेंगे? स्वाभाविक है, इसीलिए आप देखेंगे वो अपनी खान पान से नफरत करते हैं। अगर मड़ुआ रोटी आप देंगे तो कहेंगे मड़ुआ खाने से तो आदमी काला हो जाता है, और काला तो मतलब वो कोई सुंदरता का पैमाना ही नहीं हो, तो विरोध, आपको गोरा होना है, सुंदर होना है, तो स्मार्ट होना है। तो उसी तरह भाषा, वो कहते हैं ये तो पिछड़ापन का भाषा है, जंगली लोगों का भाषा है, उसको क्यों बोलना, उनका ड्रेस क्यों पहनना, ये तो जो है कि वही फिर पिछड़ा लोगों का। मतलब आदिवासी समाज को एक तरह से ऐसा सिंबोलाइज कर दिया गया है कि ये है वो अनपढ़, गंवार, जाहिल, जंगली, पिछड़ा, शैतान, असुर और पता नहीं क्या क्या, जो भी आप बोल लीजिए, उसमें फिक्स कर दिया गया है। और उसी चीज को ये स्कूलिंग सिस्टम से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए, पिछला 70 साल का सरकार का जितना रिकॉर्ड उठा के देखिए, वो क्या बोल रहे हैं, आदिवासियों के को मुख्यधारा में लाना है। आप बताओ भाई, कहाँ है मुख्यधारा? मैं तो पूछता हूं, क्या हम उस समाज को मुख्यधारा का समाज बोलेंगे जहां पे बेटियों का भ्रूण हत्या किया जाता है? इस देश में 1 करोड़ बेटियों को मार दिया गया कोख में, वो मुख्यधारा का समाज है?
क्या वो मुख्यधारा का समाज है जो उनका इच्छा अनुसार दहेज नहीं लेने से महिलाओं को जिंदा जलाता है, उनको हत्या करता है, वो मुख्यधारा का समाज है? हमको दिखाओ तो कहां मेन स्ट्रीम करना चाहते हो। मतलब मेन स्ट्रीम के नाम पर आदिवासियों को उनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, सब चीज से ये लोग बेदखल करने के लिए पूर्ण तरीके से सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम इस देश में चलाया जा रहा है। इसमें ये मैं, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि जैसे कि कभी कभी ऐसे बोला जाता है ना कि आप लोग पढ़े लिखेंगे तो आप लोग मतलब कि सिविलाइज्ड होंगे, तो मतलब हम लोग हाँ। आदिवासी लोग उतने साल से जो सिस्टम में जीते आ रहे हैं वो अनसिविलाइज्ड था क्या? और आप हाँ। सिविलाइज्ड किसको बोल रहे हैं? सिविलाइज्ड उन किसको बोल रहे हैं? सिविलाइज्ड उनको बोल रहे हैं जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है पर्यावरण में, उसको सिविलाइज्ड बोलेंगे? जो पर्यावरण को बचा के रख रहा है उसको आप अनसिविलाइज्ड बोलते हैं? मतलब कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये इसको इसको ही पूरा बदल रहा है। और खास करके देखिए, बाकी लोग जो है वो लोग तो जानबूझ करके ये करते हैं, लेकिन हमारा जो आदिवासी समाज है उनको ये प्रोपेगेंडा समझना चाहिए। देखिए, इसमें जो है मुझे लगता है कि अभी एक बड़ा फेनोमेनन शुरू हुआ है शिक्षा में, उसको हम थोड़ा फैक्ट्री स्कूल कहते हैं, उसको हमें बहुत विस्तार से समझना चाहिए और अच्छी तरह से समझना चाहिए। आज अगर जब फैक्ट्री स्कूल कहेंगे तो एक बड़ा उदाहरण हमारे बीच में है, वो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस भुवनेश्वर में है। वहां 27,000 बच्चे हैं। अब ये समझना चाहिए कि आखिर इन्होंने क्यों शुरू किया, और ये जो स्कूल है उनका, उसको शॉर्ट में किस बोलते हैं, किसको फंड कौन दे रहा है? वेदांता और बड़े बड़े जितना कॉरपोरेट है वो फंड दे रहे हैं। आखिर वो फंड उसको क्यों दे रहे हैं? फंड इसलिए दे रहे हैं कि उनको यह समझ में आ गया है कि आदिवासियों को जब तक उनका कल्चर से बेदखल नहीं करेंगे, कल्चरल एलिनेशन अगर उनकी नहीं होगी, तो वो अपनी जमीन, जंगल, नदी, पानी, खनिज संपदा नहीं देंगे। मैं देखिए, ये जो फैक्ट्री स्कूल है उसमें दो चीज समझना है। एक तो यह कि ये फैक्ट्री स्कूल आदिवासियों को उसी तरह से असभ्य, पिछड़ा और जाहिल घोषित कर रहे हैं, जैसे यही किसका, देखिए आशुतोष सामंत क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आदिवासी लोग सिर्फ जो है कि जंगली कुछ कुछ चीजें ही उनके पेट में रहता है और कुछ नहीं रहता है, वो लोग जो है कि कपड़े के नाम पर पत्ता उत्ता को पहनते हैं और बंदर जैसे पेड़ पर रहते हैं। तो ये लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज से हम इनको एसेट में ट्रांसफर कर रहे हैं, टैक्स कंज्यूमर है, टैक्स खाने वाले लोग हैं, इनको हम टैक्स पेयर बना रहे हैं। मतलब आप देखिए, जिस तरह से एक फिल्म आया था, आप याद करते होंगे, मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसमें मैसेंजर ऑफ गॉड का हीरो बोलता है कि आदिवासी जो है वो जंगली जानवरों को कच्चा खाने वाले लोग हैं, इनको जो है कि हम सभ्य बना रहे हैं। तो एक तरफ ये फैक्ट्री स्कूल दावा कर रहे हैं कि इनको सभ्य बना रहे हैं, और दूसरे तरफ बड़े बड़े कंपनियों से पैसा ले रहे हैं। क्यों पैसा ले रहे हैं और कंपनी पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? कंपनी इसलिए खर्च कर रहे हैं पैसा, उनको पता है कि आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, पहचान, सब कुछ जमीन जंगल से जुड़ा है। तो इनको जो कल्चरली अगर एलिनेट नहीं करेंगे, कल्चरली सांस्कृतिक रूप से बेदखल नहीं करेंगे, तो ये जो है जंगल, जमीन, नदी, पानी, खनिज संपदा नहीं देंगे। ये लोग निरंतर लड़ेंगे, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे बोलेंगे। तो इसीलिए इनके दिमाग में क्या डाल दो, ये डालो कि तुम्हारा भाषा खराब है, तुम्हारा संस्कृति खराब है, तुम्हारा खान पान खराब है, तुम्हारा जंगल खराब है, जमीन खराब है, तुम जो है कि एक तो एक कूड़ा का ढेर में रहते हो, इसलिए उसको छोड़ो, आओ हमारे यहाँ टाई लगाओ, सूट लगाओ, और जो अंग्रेजी में बात करो और दुनिया घूमो, तभी तुम इंसान बनोगे। तो ये बड़े बड़े कॉरपोरेट का बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि कैसे आदिवासियों को उनकी पहचान, भाषा, संस्कृति, सब कुछ से नफरत करा के उनके दिमाग में नफरत भर दो, ताकि वो अपना पूरा जमीन जंगल, अपना इलाका छोड़ के शहरों में बस जाएंगे और हमें जंगल का और जमीन को कब्जा करने में बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कि मेरे जो जो भी सवाल थे वो आपने, आपको बिना पूछे आपने सब सारा जवाब दे दिया। लेकिन इसमें ये मैं पूछना चाह रहा था कि शिक्षा की जो मॉडल है ये तो पूरा गड़बड़ है।
तो हम लोग किस तरह का बदलाव हम लोग ला सकते हैं? देखिए, एक तो बहुत सीधा बात है, मैं कहता हूं कि आदिवासी को ए फॉर एप्पल क्यों पढ़ा रहे हो? आदिवासी को ए फॉर आदिवासी पढ़ाओ। क्यों ए फॉर आदिवासी पढ़ाना जरूरी है? क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा घुसा दिए हैं कि आदिवासी मतलब ये हीप ऑफ गार्बेज है, कचरा का ढेर है। जबकि आदिवासी का क्या मतलब है? आदिवासी का अर्थ है आदिकाल से रहने वाले लोग, मतलब भारत के प्रथम निवासी। तो आदिवासी को ए फॉर आदिवासी पढ़ाओ, आदिवासी गर्व से जो है कि खड़ा हो जाएगा। आज देखिए, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। हमारा समाज आत्मनिर्भर था, अब उनका जंगल, जमीन, नदी, पानी, खनिज संपदा सब लूट लिए, अब उनका जो है कि पहचान लूट लिए, भाषा संस्कृति लूट लिए, और आज आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। हमारा आदिवासी खुद जो है कि अपने लिए तेल भी बनाता था, वो अपना चटाई, झाड़ू सब कुछ बनाता था, वो बाजार पर आश्रित ही नहीं था। उनको जो है कि उनका सब कुछ लूट के आज उनको बाजार पर आश्रित बना दिया, भिखमंगा बना दिया, सरकार के सामने कटोरा लेके खड़ा कर दिया, और आज कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि तुम आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए पहला, आदिवासी को आदिवासी की तरह ही पढ़ाना पड़ेगा, उसका जो है भाषा संस्कृति पहचान सब कुछ जो है कि सिलेबस में लाना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, हमारा बजट का हिस्सा ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो है उसका 50% पैसा आदिवासी शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। आप देखिए, सरकार कहती है कि आदिवासियों का अपना जमीन मॉर्गेज करना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, और हमारा जो है टीएसपी का पैसा को नक्सल अभियान में बंदूक खरीद के आदिवासियों को ही उस बंदूक से गोली मारा जा रहा है, जेल बना के उसी आदिवासी को नक्सली बोल के उस जेल में डाला जा रहा है। ये तो अन्याय है। हमारा विकास का पैसा से हाईवे बना रहा है, कहां कहीं जो है कि बड़ा बड़ा खेलगांव बना रहा है, और हमारा बच्चा जो है उसको खिचड़ी स्कूल में जाने के लिए मजबूर कर रहा है, जहां पर 8वां क्लास तक खिचड़ी खाता है और बिना पढ़े पास कर दिया जाता है, 9वां क्लास में उसको जो है स्कूल छोड़ना पड़ता है और सीधे बॉम्बे दिल्ली जाता है। सोचिए, ये एक तरह से बना दिया गया है ताकि आदिवासी जो है हमेशा जो है नौकर और दाई बन के रहे, वो बड़ा बड़ा फैक्ट्री में कहीं बोझा ढोने वाला ही रहे, और दूसरे तरफ उसको अपने समाज से इतना नफरत करा दो ताकि वो जंगल जमीन सब कुछ छोड़ छाड़ के तथाकथित मुखधारा को सौंप दे और उसी में वो एसिमिलेट हो जाए, मतलब मिल जाए। ठीक उसी तरह जैसे नदी का पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। पिछला 70 साल में इस देश की सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की रहे, भाजपा की रहे या किसी पार्टी की रहे, उन्होंने आदिवासी समाज को बर्बाद करने का काम किया। आदिवासियों की पहचान, भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज सबको मटियामेट करने का काम किया है। इसलिए आज जरूरी है शिक्षा व्यवस्था आदिवासियों के अनुरूप होना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा, आदिवासी के बीच में इतने बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, हमारे पारंपरिक लीडर्स हैं, सारे लोगों को मिल के एक साथ बैठा के उनसे बातचीत करना चाहिए, वो कैसा शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। आज देखिए क्या हो रहा है, ये सो कॉल्ड सिविलाइज लोग अपने आप को शिक्षित, सभ्य और आगे बढ़ा हुआ बोलते हैं, उनकी वजह से देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उनकी वजह से ही ये कोरोना पूरा दुनिया में फैल गया। कोरोना को कौन फैला रहा है? यही हवा जहाज में उड़ने वाले लोग ना, कोई आदिवासी ने तो नहीं फैलाया। तो कोरोना के बाद आप देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर पड़ने जा रहा है, कृषि पर भयानक असर है, वनोपज पर भयानक असर है। दुनिया गैर आदिवासियों के तरीके से जीने से नहीं बचेगा, दुनिया गैर आदिवासियों की तरह प्रकृति को बर्बाद करके कंक्रीट का जंगल खड़ा करने से नहीं बचेगा। दुनिया बचेगी तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी तरीके से बचेगी। इसीलिए आज सारे चीजों को रिवर्स करने का जरूरत है, प्रकृति के साथ जीना पड़ेगा, प्रकृति को प्यार करना पड़ेगा, और जितना जरूरत है उतना ही लेना है, और अपनी जरूरतों को कम करना पड़ेगा जिस तरह से आदिवासी करते हैं। आदिवासियों को दुनिया को आदिवासियों से बहुत कुछ सीखना है। इसलिए आदिवासियों की जो भी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा पद्धतियां हैं, वो सारे चीजों को बृहद तरीके से स्टडी करना चाहिए और उसको एक प्रारूप के रूप में खड़ा करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी जो एजुकेशन है, आपकी आपको ये आप कंफर्टेबल है तो प्लीज बताइए, आपको आपकी जो निजी एजुकेशन हुई है उसमें आपकी जो एक्सपीरियंस
है वो हमें जरूर बताइए। देखिए, मेरी एजुकेशन जो हुई है वो मतलब सरकारी स्कूल में हुआ। मैं 3 क्लास तक पेड़ के नीचे पढ़ा, उसके बाद 10 क्लास तक मैं सरकारी स्कूल में ही बिल्डिंग में पढ़ा। उसके बाद मैंने कभी कोई कॉलेज वगैरह किया नहीं है, हालांकि मेरे पास डिग्री है वो अलग बात है, लेकिन मैं कोई रेगुलर एजुकेशन बाद में किया नहीं हूँ। वो सारा कुछ चीजें मैंने सेल्फ लर्निंग से किया है। हालांकि उस समय में चूंकि गांव में हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ 100% जो है कि आदिवासी बच्चे ही हुआ करते थे, इसलिए हमें बहुत कुछ कोई उस तरह का झेलना नहीं पड़ा। या हमने मैं आपको ये कह सकता हूं कि 16 साल तक जब मैं गांव में था तब मैंने भेदभाव जैसा कोई शब्द सुना ही नहीं था कि समाज में ऐसा भी कोई भेदभाव होता है लड़का लड़की में या इंसान में, धर्म के आधार पर या फिर नस्ल के आधार पर, नस्ल भेद, रंग भेद, मैंने कभी सुना ही नहीं था, कभी झेला ही नहीं था। लेकिन जब गांव से माइग्रेट किया तब मुझे ये सारा कुछ चीजें देखने को मिला, तब मुझे एहसास हुआ कि आदिवासी होना इस देश में अपराध है। आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल बहुत शॉर्ट में बताता हूं। एक तो जब मैं यूरोपियन कमीशन का एक प्रोजेक्ट था टॉर्चर के ऊपर, उस पर हम लोग काम कर रहे थे, उस समय मैं कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना बुक करने के लिए गया था। तब मुझे उनके इंचार्ज, उन्होंने मुझे कहा, कोई पांडे जी थे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप आदिवासी होके इतना बड़ा पोस्ट पे कैसे हैं। फिर उसी कार्यक्रम के सिलसिले में जब एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करना था तो मैंने उन दिनों राष्ट्रीय सहारा के एडिटर उनको बुलाने के लिए मैं खुद गया कि आपको हम चाहते हैं कि आप चीफ गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ आए। फिर मैंने अपना सारा परिचय दिया तो सुन के वो दंग रह गए, उन्होंने भी वही सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप आदिवासी हो के यूरोपियन कमीशन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट का स्टेट ऑफिसर कैसे हो, वो स्वीकार नहीं किए हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तब उन दिनों मुझे इस बात का एहसास हुआ। फिर उसके बाद में बाद के दिनों में भी मैं काम करते हुए भी एहसास हुआ कई एक जगह पे कि आदिवासियों को ना सिर्फ सरकारी जगहों में, ये चीजें मैंने बड़े बड़े फंडिंग एजेंसियों में देखा है जो आदिवासियों के विकास की बात करते हैं, उनको उनका जो है कि तरक्की की बात करते हैं, वहां मैंने देखा कि आदिवासियों को सबसे नीचे रखा जाता है। मतलब 10-10 साल का एक्सपीरियंस करके आए हैं, उनको जो है कि नीचे रखा हुआ है, मुझे लड़ाई भी करना पड़ा। तो इस तरह की चीजें मैंने देखा है कि कैसे आदिवासी होने की वजह से इस देश में लोगों के साथ भेदभाव होता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम तो बेकार है ना। फिर जब ये एजुकेशन सिस्टम में सब लोग पढ़ के आ रहे हैं उसके बाद भी दिमाग में है कि आदिवासी मतलब ये जंगली है, अनपढ़ है, गंवार है, दलित मतलब अछूत है, तो फिर ये एजुकेशन सिस्टम में हो क्या रहा है? इस देश की सरकारें पिछला 70 साल से कर क्या रही हैं? जब देश का संविधान कहता है कि देश, वो कहता सिर्फ नहीं, देश का संविधान इसके प्रियम्बल में गारंटी दिया है कि देश के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, दिया जाएगा, गारंटी दिया जा रहा है। तो फिर इस देश की सरकारें पिछला 70 साल से क्या कर रही हैं? क्यों इस देश में दलित आदिवासियों के साथ इस तरह से भेदभाव हो रहा है? इनको शर्म आनी चाहिए कि ये बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि हम जो है कि मतलब विश्वगुरु बन रहे हैं। आप विश्वगुरु क्या बन रहे हैं जब आपके अंदर में, दिल और दिमाग में नफरत भरा हुआ है, भेदभाव भरा हुआ है, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, और आप विश्वगुरु बनने की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए। क्या तमाशा करके रखे हैं इन लोगों ने? अभी जो इकोनॉमिक सिस्टम ने हमें पूरी दुनिया को एक क्राइसिस में डाल दिया, ऐसी परिस्थिति में फिर से हमें आदिवासी इकोनॉमी को समझना चाहिए और उसको स्कूलिंग सिस्टम में लाना चाहिए। आदिवासी इकोनॉमी क्या है? आदिवासी इकोनॉमी बताता है कि आप अपने जरूरत को मिनिमाइज करिए और नेचुरल रिसोर्स को सिर्फ अपने जरूरत को पूरा करने के लिए करिए। उसका उदाहरण मैं दे रहा था, बेस्ट एग्जाम्पल है कि जंगल में आप देखिएगा, आदिवासी जो रहते हैं जंगल में, वो लोग सिर्फ 3 महीने के लिए सूखी लकड़ी काट के रखते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि आखिर वो सिर्फ 3 महीने के लिए ही सूखी लकड़ी क्यों काट के रखते हैं? वो साल भर के लिए भी रख सकते थे, 10 साल के लिए भी रख सकते थे। वो सोचते उसके लिए दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन वो सिर्फ 3 महीने के लिए काट के रखते हैं। वो इसीलिए काट के रखते हैं कि बाकी समय में 3 महीना बारिश का समय होता है, जून जुलाई अगस्त मान लीजिए, बरसात के बाद जंगल से लकड़ी मिल जाएगा। तो उसको दूसरी तरीके से सोचिए, जो सब तथाकथित सभ्य समाज 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करता है, वैसे ही आदिवासी लोग अगर इकट्ठा करते, जंगल से लकड़ी काट लेते सारे परिवार के लोग, तो जंगल तो खत्म हो जाता। तो ये छोटा मोटा फिलोसफी नहीं है। अगर हम हर एक चीजों को उसी तरह, जैसे कोयला, ये लोग बेहिसाब कोयला निकाल रहे हैं, आयरन और बेहिसाब निकाल रहे हैं, मतलब लूटना है, किसी भी तरह से प्राकृतिक संसाधन है उसको लूटना है। और आदिवासी को देखते हैं, जंगल में रहते हैं, उधर बड़ा बड़ा पेड़ खड़ा है उसको देखते हैं, तो आदिवासी को समझता है कि ये देखिए आदिवासी कितना बुड़बक है, इतना बड़ा बड़ा टिम्बर है उसके जंगल में, सारा टिम्बर बेच के बड़ा बड़ा जो है कि अपार्टमेंट बना लेता, बड़का बड़का गाड़ी से घूमता, ऐसे मतलब सोचते हैं ऐसे। तो उनको समझाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि प्रकृति के साथ आप जिएंगे, प्रकृति को प्यार करेंगे, प्रकृति ने सह अस्तित्व का जो एक अवधारणा दिया है, एक व्यवस्था दिया है, उसके साथ चलेंगे, तभी यह दुनिया जो है कि सस्टेनेबल हो सकता है। नहीं तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ, कुछ भी भाषा आप दे लीजिए, लेकिन आप तय हो गया है पूरी दुनिया में। ये कोरोना वायरस ने भी दुनिया को बता दिया, क्या बता रहे थे सभ्य समाज के लोग, कि देखिए हम लोग इतना तरक्की कर गए, इतना आगे चले गए, हम लोग चांद पर चले गए, हम लोग जो है कि अमेरिका में बैठा हुआ आदमी से यहां बैठे बैठे फोटो देख के बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को, पूंजीवाद को घुटने पर लाके खड़ा कर दिया, तथाकथित सभ्य समाज को घुटने पर लाके खड़ा कर दिया। उनको कोरोना वायरस का एक जो है कि वो टीका नहीं बना पा रहे हैं, आप समझ लीजिए। तो इसीलिए इनको समझना पड़ेगा। आप जितना भी बोल लीजिए आप सब हैं, आप आगे बढ़े हुए हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप मुख धारा में हैं, लेकिन घूम फिर के आपको प्रकृति के पास आना पड़ेगा, आदिवासी के पास आना पड़ेगा, आदिवासी फिलोसफी में जीना पड़ेगा। नहीं तो ये दुनिया बहुत दिन तक सरवाइव करने वाली नहीं है, दुनिया खत्म हो जाएगी, आपका सारा कंक्रीट का जंगल उसमें समा जाएगा। बिल्कुल सही बात, मतलब कि परसेप्शन की बात है। आदिवासी जंगल को किस तरह से देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ये ऑक्सीजन देती है, ये जंगल के कारण नदी बहती है, लेकिन वही है कि मेन स्ट्रीम के लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको जंगल दिखता है एक, मतलब जहां से वो पूंजी बना सके। हाँ हाँ, ये सारा चीज उसी का, मतलब ये जो पूरा सिस्टम देखिए, एजुकेशन जो है ना, शिक्षा है ना, शिक्षा को कहते हैं ये एक सीढ़ी है, शिक्षा को कहा गया है विकास की सीढ़ी है, वो सो कॉल्ड तथाकथित विकसित समाज का विकास को आप कह सकते हैं। ये शिक्षा जो है, शिक्षा से पूरा ब्रेनस्टॉर्म किया जाता है। सखुआ पेड़ नहीं लगाएंगे, या फिर आम का नहीं लगाएंगे, दूसरे फलदार वृक्ष नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या लगाएंगे, टीक लगाएंगे, शीशम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग में डाल दिया गया कि टीक लगाओगे तो तुमको इतना पैसा आएगा। तो वो सब चीजें धीरे 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 आदिवासी का जो ब्रेन था, उनका कंप्यूटर जो था, उसका असली प्रोग्राम को हटा करके सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम समाज ने, तथाकथित सभ्य समाज ने, एजुकेशन के द्वारा पूरा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है आदमी आदिवासियों का, उसको रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम से पूरा सबकॉन्शियस ब्रेन को रिप्रोग्रामिंग करते हैं। हम लोग जब बच्चा में आदिवासी समाज में जीते हैं, तो हमारा वो जो सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा चीजें घुसती है, वो सारा हम पारंपरिक एजुकेशन व्यवस्था में रहते हैं, अखड़ा में कैसे हमें जो है कि हमारे दादा लोग, बाबा लोग, माँ लोग सिखाते हैं, हल बनाना है या फिर झाड़ू चटाई बनाना है, समाज कैसे चलाना है, सारा चीजें हमें सिखाते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन में घुसता है। लेकिन जब जैसे ही हमें मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में आते हैं, तथाकथित सभ्य समाज के सिस्टम में आते हैं, वो वही एजुकेशन सिस्टम और दूसरे अवेयरनेस सिस्टम के द्वारा हमारा वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करते हैं, रीराइट करते हैं, और हमारा जो अपने अंदर रहता है उसको हटाते हैं। उसको हटाने का क्या सिस्टम है, हैमरिंग करना,
मतलब आपके दिमाग में अगर कोई चीज को हटाना है तो आप उसको हैमरिंग करना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा वो गलत है, वो खराब है, असभ्य है, जंगली है, पिछड़ा है। तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में इतना भर दिया कि हम लोग अपने चीजों से नफरत करने लगे। तो जब सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो हम लोग का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, देखने का नजरिया बंद हो गया। तब हम आदिवासी समाज को गैर आदिवासी के दृष्टि से देखने लगे, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका जल जंगल जमीन, उनका जानवर, उनका खान पान, सब चीजों को। तो ये जो पूरा पर्सपेक्टिव बिल्डिंग जो है सबकॉन्शियस माइंड में कर दिया गया। तो हमें अगर आदिवासी समाज को बचाना है तो बच्चों के साथ शुरू से वो सबकॉन्शियस माइंड को आदिवासी कल्चर, आइडेंटिटी, ये सारे चीज के साथ में अच्छा पर्सपेक्टिव के साथ सबकॉन्शियस माइंड में काम करना पड़ेगा। उसका अर्थ से यही है कि बच्चों और युवाओं के साथ काम करना पड़ेगा। जो व्यक्ति 50+ हो चुके हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड को रीराइट करना बहुत मुश्किल है। बहुत जरूरी है। और अभी ये जो हमारे जो ऑडियंस है इसमें आदिवासी भी है और नॉन आदिवासी भी है, और नॉन आदिवासी कम्युनिटी से भी ऐसे लोग हैं जो नेचर लवर्स है, वो भी कंसर्न्ड है और हमारी आदिवासियत आइडियोलॉजी को वो भी फॉलो करते हैं। तो उनका भी ये सवाल है कि वो अपने स्तर से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आदिवासी ये सिस्टम और ये जो एजुकेशन सिस्टम की जो बात हम लोग कहें उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। जंगल इलाका में अगर कोई गैर आदिवासी रह रहे हैं तो उनका भी देखिएगा बिहेवियर, थिंकिंग पैटर्न, सब कुछ मोरलेस आदिवासी जैसा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगनिंग उनका सबकॉन्शियस माइंड में वही नेचर लवर सब कुछ चीजें चल रही है। तो जो लोग शहरों में हैं, जो कंसर्न हैं, ऐसे गैर आदिवासियों से मेरा निवेदन होगा कि आप जो है आदिवासी फिलोसफी को समझने का कोशिश कीजिए। जब एक बार आप आदिवासी फिलोसफी को आप समझ गए तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। आप आदिवासी को सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव से देखना छोड़ करके आप आदिवासी पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देंगे। जब आपका पर्सपेक्टिव जैसे ही बदल जाएगा, लेंस आपका बदल जाएगा, आप ऑटोमेटिक आदिवासी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो फिर आप उसी एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। क्या एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली होना चाहिए? प्रकृति जो दिया है, प्रकृति किस तरह से सारे चीजों को बना के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, को एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस को मेन स्ट्रीम क्या पढ़ा रहा है? को एग्जिस्टेंस को सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम अलग कर देता है। वो मानव, जंगल और जंगली जानवर, चिड़िया या और छोटे छोटे जीव जंतु, सारे लोगों को अलग अलग कर देता है। आप देखिएगा आदिवासी को जंगल से अलग कर रहा है, वो जो है कि बाघ भालू और जितना जानवर है उसके लिए सेंचुरी बना रहा है, पक्षियों के लिए अलग बना रहा है, पेड़ पौधों को जो है कि वो एक अलग तरह का जंगल बना के वो रखना चाहता है। जबकि प्रकृति का नियम क्या है? को एग्जिस्टेंस। जब सोचिए, जब स्टेट जैसी कोई चीजें नहीं थी तब तो जंगल था, आदिवासी भी वहां थे, जंगली जानवर भी थे, शेर भालू सब कुछ थे, तब तो शेर और भालू और किसी जानवर पर खतरा नहीं था। जैसे ही स्टेट एग्जिस्ट करता है वैसे ही अचानक जंगली जानवरों पर खतरा आ जाता है, जंगल पर खतरा आ जाता है, और स्टेट घोषित कर देता है कि आदिवासी जो है जंगल के दुश्मन है, जंगली जानवरों के दुश्मन है। ये क्या चक्कर है? वो इसलिए घोषित कर देता है, उसको मालूम है कि आदिवासी ही जंगल का असली रखवाला है। आप देखिए पिछला 100-200 साल का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। अगर ब्रिटिश शासन के बाद की बात आप करना चाहते हैं तभी आप देखिए आदिवासियों को क्या घोषित कर दिया गया, ये जंगल के दुश्मन है, ये जंगली जानवरों को मारते हैं, जंगली जानवरों के दुश्मन है, सारा नियम कानून बना बना के खत्म कर दिया। अभी क्या कह रहे हैं, 2017 का स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि देश का 215 आदिवासी जिला में 37% जंगल बचा हुआ है, और नेशनल एवरेज क्या है? जस्ट 21%, 21%। वो यह साबित करता है जहां जहां आदिवासी हैं वहीं जंगल बचा हुआ है, जहां आदिवासी नहीं है वहां जंगल को इन्होंने सो कॉल्ड तथाकथित मुख धारा वाले अपने आप को विकास और शिक्षित बोलने वाले जंगल को बेच के खा गया, और जानवरों को मार के कहां कहां उसका जो है कि हड्डी और मांस कहां बेच के उसको तस्करी कर लिया।
ग्लैडसन सर ने जो भी कहा बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा कि आप ये समझ के चलिए कि आज के वक्त में आदिवासियों को अनपढ़, जाहिल, गंवार ऐसे क्यों बोला जाता है, इसलिए भी बोला जाता है। और ये जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से चल रही है, सरकार को आदिवासी से वो मुनाफा नहीं मिल रहा है, वो टैक्स नहीं पे करती है सरकार को, और ये समझने वाली बात है। जैसे किसने वही कहा कि आदिवासी टैक्स कंज्यूमर है, उसको हम टैक्स पेयर बनाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल कहता हूं आदिवासी टैक्स पेयर क्यों होगा? आदिवासी का जंगल, जमीन, खनिज संपदा सरकार लूट रही है, सरकार आदिवासियों को टैक्स पे करना चाहिए ना। क्या बिल्कुल बिल्कुल जंगल जंगल सरकार का है, खनिज संपदा सरकार का है? जब सरकार जैसे कोई चीज नहीं थे उस समय, ये जंगल, जमीन, खनिज संपदा पर कौन बैठा था? आदिवासी बैठा था ना। तो आपने कागज में कानून बना लिया और सब कुछ अपना घोषित कर दिया, और अभी कह रहे हो कि आदिवासी टैक्स पे नहीं करता है। उसके यहां से जंगल से आप खनिज ले रहे हो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, सरंडा जंगल से 1925 से खनिज संपदा ये लोग लूट रहे हैं। हर साल 3,000 करोड़ रुपया का खनिज संपदा वहां से निकालते हैं। आज भी वहां का आदिवासी जो है 80% बच्चे, आदिवासी बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे खून की कमी से माल नरिश्ट है, और 70% महिलाएं खून कमी से की कमी से जूझ रही हैं। तो जब आप आयरन ओर निकाल रहे हो वहां से, तो आदिवासियों को आपने क्या दिया? आपने क्यों नहीं थी टैक्स पे किया उनको? आदिवासी का हक अगर 100% नहीं देते हो तो 50% तो देना चाहिए। आप सोचिए, जब खनिज संपदा का 50% अगर आदिवासियों को लौटाया लौटाया जाएगा, उनको दिया जाएगा, तो आपको लगता है आदिवासी सरकार के सामने कुछ भी मांगेंगे? कुछ नहीं मांगेंगे, वो अपने आप में समृद्ध हो जाएंगे, उनको कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको पढ़ाना लिखाना किसी चीज में, सरकार को रोड बनाने में भी एक पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और ये हमारे जितने भी साथी लोग हैं वो समझे, खासकर जो आदिवासी और व्यूअर्स हैं उनको ये बात समझनी चाहिए। और हमारी आदिवासियत पे शर्म करना बंद करना है, अभी गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, और यही सबसे बड़ी सर के तरफ से ये शिक्षा आप लोग लेते जाए अपने साथ। आज हम लोग अभी इतने यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लोग आपके साथ जरूर और जुड़ना चाहेंगे, और अभी टिक टिक पूरा काउंटडाउन भी शुरू हो गया शायद से। हाँ, तो जरूर आज हम जरूर लोग का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, मैं भी खुद पर्सनली बहुत सीखा हूँ, और जो हमारे जो ऑडियंस है वो भी बहुत सारे सीखे। और आज खासकर हो समुदाय से मेरे जो फ्रेंड्स है बहुत कॉल कॉल कर रहे थे, वो लोग बहुत इंटरेस्टेड थे आज, स्पेशली आज का जो सेशन था। तो सर जोहार आपको, आदिवासी लाइफ मैटर के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग आपके साथ और एक बार हम लोग जरूर से और एक सेशन करना चाहेंगे। जरूर जरूर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम लोग ये पूरा सेशन को यही अंत करते हैं, और हमारा ये सेकंड एडिशन था, सभी को हमारे तरफ से जोहार।